अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर, इफ़ ए अपान बी एंड सी अपान डी आर टू रेशनल नंबर सच दैट सी अपान डी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वी डिफाइन ए अपान बी डिवाइड सी अपान डी इज इक्वल टू ए अपान बी मल्टीप्लाई डी अपान सी। मतलब यहाँ जो दिया है सी अपान डी, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये हो गया है डी अपान सी। When a upon b is divided by c upon d, then a upon b is called the dividend, c upon d is called the divisor, and the result is known as quotient. इसके बाद हम आते हैं properties of division. Property first, closure property. If a upon b and c upon d are any two rational numbers such that c upon d not equal zero, then ए अपान बी डिवाइड सी अपान डी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। आगे आते हैं प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी ऑफ वन। फॉर एवरी रेशनल नंबर ए अपान बी वी हैव ए अपान बी डिवाइड वन इज इक्वल टू ए अपान वी। अब आते हैं प्रॉपर्टी थ्री, फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए अपान बी वी हैव ए अपान बी डिवाइड ए अपान बी इज इक्वल टू वन। ए अपान बी डिवाइड ए अपान बी करेंगे हम, ये आएगा हमारा वन। इसके बाद आते हैं हम एक्सरसाइज वन ई। वन ई का क्वेश्चन नंबर वन सिंप्लीफाई, पहला क्वेश्चन है हमारा फोर अपान नाइन डिवाइड माइनस फाइव अपान ट्वेल्व। इसको हम सॉल्व करते हैं, फोर अपान नाइन डिवाइड माइनस फाइव अपान ट्वेल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन हमारा हो गया फोर अपान नाइन डिवाइड की जगह हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव अपान ट्वेल्व है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ट्वेल्व अपान में फाइव। इसको हम, क्योंकि ये हमारा डिवाइड है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होता है और ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस फोर्टी एट अपान में फोर्टी फाइव। अब इसको हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिक्सटीन अपान में फिफ्टीन, माइनस सिक्सटीन अपान में फिफ्टीन, ये हमारा होगा आंसर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू, वेरीफाई वेदर, सॉरी इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर वन का दूसरा, माइनस एट डिवाइड माइनस सेवेंटी सेवन अपान सिक्सटीन। इसको भी वैसे ही करना है जैसे सारा, मतलब पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू आर फॉल्स। हमारा पहला क्वेश्चन है माइनस, सॉरी थर्टीन अपान फाइव डिवाइड ट्वेंटी सिक्स अपान में टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अपान में टेन डिवाइड थर्टीन अपान फाइव। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू से का पहला है दो का, ये हमारा हो जाएगा थर्टीन अपान फाइव डिवाइड की जगह अभी हमने बताया था मल्टीप्लाई, और ये हमारा रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा टेन अपान ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अपान टेन, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई फाइव अपान थर्टीन। इसको हम स्मॉल, मतलब छोटा करने के लिए यहाँ से डिवाइड, मतलब काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, थर्टीन वन जा थर्टीन, थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स। वही इसमें करेंगे फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, थर्टीन वन जा थर्टीन, थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स। अब इसको हम करेंगे टू अपान टू इज इक्वल टू टू अपान टू, इसको भी कर देंगे हमारा आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन, यानी कि हमारा ये वन है ये भी वन है, तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है ट्रू आर फॉल्स, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू का टू, माइनस नाइन डिवाइड थ्री अपान फोर इज इक्वल टू थ्री अपान फोर डिवाइड माइनस नाइन। इसको भी वैसे ही करेंगे,